आप लोगों ने न्यू पीसी लिया है या तो अपने लैपटॉप या सिस्टम को फॉर्मेट मारा है तो आप उसमें विंडो 10 इंस्टॉल करना चाहते हैं तो कैसे इजी तरीका से कर सकते हैं मैं आपको बताऊंगा। चलिए सिंपली गूगल क्रोम ओपन कर लेते हैं। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे सर्च कर लेना है विंडो 10 सर्च कर लेंगे हैं। यहाँ पे सर्च करते ही आपको ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, कोई अदर वेबसाइट नहीं है, इसका ओरिजिनल वेबसाइट है ऑफिशियल वेबसाइट, तो उस पर सिंपली हम लोग को क्लिक कर लेना है। यहाँ पर क्लिक करते ही आपका ऑफिशियल वेबसाइट देखिए माइक्रोसॉफ्ट का खुल चुका है। यहाँ पे डाउनलोड विंडो 10 का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पे अपडेट नाउ, यहाँ पे डाउनलोड टूल नाउ पे जाके हम लोग को क्लिक कर लेना है। सिंपली यहाँ से क्लिक करते ही हमारा डाउनलोड देखिए स्टार्ट हो चुका है। डाउनलोड स्टार्ट होते ही हम लोग डाउनलोड अब कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। डाउनलोड हो चुका है, हम लोग जाते हैं डाउनलोड में जाके देखते हैं जो ड्राइव है उसको सिंपली हम लोग डेस्कटॉप पे लेकर आ जाते हैं। डेस्कटॉप पे लेने से हम लोग को इजीली हो जाएगा, वहाँ पे आपको डेस्कटॉप पे इजीली मिल जाएगा। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं। और ये देखिए मैंने डेस्कटॉप पे कर लिया है। डेस्कटॉप पे आपको ये दिख रहा होगा, सिंपली आपको इसको ओपन कर लेना है। और यहाँ पे देखिए आपका एक्सेप्ट का आ चुका है। यहाँ पे आपको सिंपली एक्सेप्ट कर लेना है लाइसेंस पढ़ के, अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करते हैं, फिर से थोड़ा वेट करने बोल रहा है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, आपको दो ऑप्शन दिख रहा है, अपग्रेड द पीसी नाउ, और यहाँ पे नीचे जो आपको दिख रहा है ग्रेट इंस्टॉलेशन मोड यूएसबी फ्लैश ड्राइव, तो हम लोग को यूएसबी फ्लैश ड्राइव जो दिख रहा है एंड आईओएसओ और अनदर पीसी दिख रहा है, तो इस पर हमको सिंपली क्लिक कर लेना है। यहाँ से आपको लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है, एडिशन और आर्किटेक्चर, यहाँ पे आप डिफॉल्ट करके अनटिक कीजिएगा तो आपको ये सब टिक करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो सिंपली यहाँ से आपको फटाफट सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे विंडो 10 का 10 64 बिट का आपको कहा था 64 बिट, अगर आपका 32 बिट का था आप 32 बिट पे आपको जाना होगा, बट मेरा 64 बिट का था, 64 बिट का ही डाउनलोड कर लेते हैं। और यहाँ पे करने के बाद सिंपली नेक्स्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको दिख रहा है यूएसबी फ्लैश ड्राइव या फिर आईओएसओ फाइल, तो हमको सिंपली आईओएसओ फाइल पे जाना है। यूएसबी फ्लैश ड्राइव यहाँ पे नहीं करेंगे हम लोग, आगे आपको बताऊँगा सेकेंड स्टेप में, तो पहले हम लोग आईओएसओ फाइल पे क्लिक कर लेते हैं। आईओएसओ फाइल पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। और यहाँ पर आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर, जहाँ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको रूफ़ को डाउनलोड करना, उससे आपका पेन ड्राइव को कैसे बूटेबल बनाना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, और पहले इसके लिए आपको गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम ओपन करते ही यहाँ पे आपको सिंपली न्यू टैब लेके वहाँ पे आपको लिखना है रूफ़, RUFUS करके लिखना है, जो फर्स्ट वेबसाइट आ जाएगा यहाँ पे देखने को आपको मिल रहा होगा, ये रूफ़ पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है जो फर्स्ट वेबसाइट होगा। इसको क्लिक करते ही आपका कुछ इंस्ट्रक्शन इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा कि कैसे आपको बूटेबल बनाना, आपका सारा कुछ यहाँ पे दे देगा, बट मैं आपको बताऊँगा वीडियो में। यहाँ पे आपको रूफ़ पे क्लिक करके आपको डाउनलोड कर लेना इस फोल्डर को सिंपली। चलिए डाउनलोड कर लेते हैं इसको। और ये देखिए मेरा डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है, डाउनलोड तुरंत हो जाएगा। डाउनलोड होते ही आपको डाउनलोड फाइल में जाना है। डाउनलोड फाइल में जाते हैं, आपको इसको भी डेस्कटॉप पे कर लेते हैं ताकि आप लोग को करके दिखाने में इजी होगा, तो सिंपली इसको हम लोग डेस्कटॉप पे डाल देते हैं। और ये देखिए आपका डेस्कटॉप पे आ गया, सिंपली इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। ओपन करते ही आपका कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, बट याद रखिएगा इसको ओपन करने से पहले आपका पेन ड्राइव जो इसमें इंसर्ट कर दीजिएगा। यहाँ पे आपको जो भी डाउनलोड किए थे पहले विंडो 10, उस फाइल को यहाँ पे सिंपली आपको सेलेक्ट कर लेना है, जो इससे पहले फर्स्ट स्टेप में आपको बताया था डाउनलोड, यहाँ पे सिंपली
सिलेक्ट करने के बाद सिंपली यहाँ पे ओपन कर लेना और यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा एज यूजुअल छोड़ देना। और यहाँ पे एक आपको देखने को मिल रहा है GPT और MPR, बट हम लोग को GPT सेलेक्ट करना है क्योंकि MPR जो पुराना वर्जन था अब हम लोग का जितना भी आता सब GPT में आता है क्योंकि ये GPT बढ़िया होता है। तो आपको सिंपली GPT पे क्लिक कर लेना, इसको एज यूजुअल छोड़ देना, बाकी सबको एज यूजुअल डिफ़ॉल्ट पे रहने देना। और यहाँ पे सिंपली आपको स्टार्ट कर देना, जैसे ही आप स्टार्ट कीजिएगा तो ये आपका बोलेगा मैसेज कि जितना भी आपका प्रिंटर में जो भी डाटा था सब यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो इससे पहले आप अपना सारा डाटा को स्टोरेज कर लीजिएगा। यहाँ पे ओके करने के बाद आपका ये स्टार्ट हो चुका है बूटेबल होना के लिए आपका प्रिंट ड्राइव, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसलिए मैं स्किप कर दिया हूँ। और यहाँ पे देखिए आपका पेन ड्राइव जो बूटेबल बन चुका है उसमें विंडो 10 चला गया। अब आपका पेन ड्राइव जो है रेडी है दूसरा सिस्टम में इंस्टॉल होने के लिए। तो सिंपली यहाँ पे छोड़ देना, रेडी करते हैं। अब हम लोग चलते हैं थर्ड स्टेप की ओर। तो जिस भी लैपटॉप या सिस्टम में आपको इंस्टॉल करना है विंडो 10 को, उसमें सिंपली आपको USB पेन ड्राइव को इंटर करने के बाद आपको कंटिन्यूसली डिलीट पे प्रेस करते रहना है कीबोर्ड पे। डिलीट पे प्रेस करते ही आपका ये जो दिख रहा देखने को मिल रहा ये आपका IOS जो देखने को मिल रहा ये आपको ओपन सिंपली हो जाएगा। यहाँ से जाके आप अपना सिस्टम में जो जो चीज़ें कॉन्फ़िगरेशन है सारा कुछ यहाँ पे आपका डेटा आ सकता है। अगर आप ओवरक्लॉकिंग करना चाहते हैं तो वो भी सिंपली यहाँ से आपको करने को मिल जाएगा ऑप्शन। देख लीजिए यहाँ पे सारा चीज आ रहा देखने को, यहाँ से आप अपना देख लीजिएगा जो जो चीज़ आपका है। इसी यहाँ पे आपको देखिए ये सब चीज़ मेरा देखने को मिल रहा है, DRAM हो गया 32 MB सारा कुछ यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है फ्रेंड्स। अब हम लोग चलते हैं विंडो को इंस्टॉल करना स्टार्ट करते हैं फटाफट बिना टाइम को वेस्ट किए। तो सिंपली यहाँ पे सेटिंग पे जाने के बाद आपको सेव एंड एग्जिट पे क्लिक कर लेना। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा UEFI HP पेन ड्राइव, मेरा HP का पेन ड्राइव, तो इस पर सिंपली हमको क्लिक कर लेना। क्लिक करते ही आपका ये स्टार्ट ले लेगा। स्टार्ट लेते ही आपका कुछ ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा विंडो इंस्टॉल करने के लिए। आपका लैंग्वेज कौन सा होगा, इनपुट कौन सा होगा, सारा कुछ कीबोर्ड लैंग्वेज कौन सा होगा, सारा कुछ यहाँ पे आपको एक एक करके सिलेक्ट कर लेना आप अपने हिसाब से। तो यहाँ पर फ्रेंड सारा ऑप्शन है जो फटाफट यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। तो सिंपली सिलेक्ट करने के बाद आपका यहाँ पे सिंपली आपको सिलेक्ट हो जाने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर सिंपली क्लिक कर लेना। आपको सेटअप इज स्टार्टिंग आ गया। यहाँ पे आपके पास एक्टिवेशन की नहीं है तो हम लोग एक्टिवेशन की अभी यहाँ पे नहीं डालेंगे। यहाँ पे जो लिखा हुआ आई डोंट हैव एक्टिवेशन की, तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे क्लिक कर लेना या बाद में भी कर सकते हैं। अब आपको नेक्स्ट ऑप्शन दिख रहा है कि इसमें से आपको कौन सा विंडो चाहिए, जैसे विंडो प्रो हम लोग को चाहिए। यहाँ पे काफ़ी सारा आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सिंपली हम लोग को विंडो 10 प्रो चाहिए तो हमको उस पर करके कर देना नेक्स्ट। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे एग्री करके सिंपली आपको नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे हम लोग को कस्टम करना है क्योंकि हम लोग किस ड्राइव में करना चाहते हैं इसलिए हम लोग को कस्टम करना है। यहाँ से आपको ड्राइव देखने को मिल रहा होगा, यहाँ से मेरा ड्राइव सी ड्राइव में जो है पूरा उसमें स्पेस लिया हुआ, उसी में मेरा पहले से इंस्टॉल था तो उसको पहले हम फॉर्मेट मार लेंगे। फॉर्मेट मारने के बाद फॉर्मेट मारते ही सारा उसका क्लियर हो जाएगा सी फोल्डर का, ओके कर लेना। यहाँ पे सिंपली आपको जिस फोल्डर में आपको विंडो 10 को इंस्टॉल करना उस फोल्डर को आपको सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कर लेना। नेक्स्ट करते ही आपका स्टार्टिंग हो चुका है होना विंडो इंस्टॉल उस ड्राइव में, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट ये हो चुका है, यहाँ पे ऑटोमेटिक ले लेगा गेटिंग रेडी। जस्ट अ मोमेंट,
यहाँ पे आप लोग को सिंपली आपको कौन सा रीजन में रहते हैं ये सिलेक्ट कर लेना है। तो हम लोग इंडिया में रहते हैं तो इंडिया सिंपली सिलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली यस कर लेना है। यहाँ पे आपका पूछ रहा है कि कीबोर्ड का कौन सा लेआउट होगा, सिंपली हम लोग को इंग्लिश इंडिया कर लेना है। यहाँ पे आपका सेकंड कीबोर्ड का लेआउट पूछ रहा है, हम लोग इसको स्किप कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग को नेटवर्क से कनेक्ट नहीं करना है तो यहाँ पे सिंपली करेंगे आई डोंट हैव इंटरनेट। यहाँ पे आपको कनेक्ट नाउ पे नहीं करना है, कंटिन्यू विथ लिमिटेड सेटअप पे करना है। जस्ट अ मोमेंट, यहाँ पर आपका आ गया है आपका नाम डालना, हु इज गोइंग टू यूज दिस पीसी, सिंपली नेम डालने के बाद नेक्स्ट कर लेना है। आपको यहाँ पे पासवर्ड डालने के बाद सिंपली नेक्स्ट कर लेना है, कंफर्म कर लेना है। यहाँ पे आपका दो तीन क्वेश्चन आएगा, आपको सिंपली उसको टिक करने के बाद आपको नेक्स्ट कर लेना है। सारा कुछ चीज़ को फिल करने के बाद यहाँ पे आपको एक्सेप्ट कर लेना है सारा पढ़ने के बाद। अभी ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका है, सारा सेटअप कंप्लीट है। यहाँ पे आपको सिस्टम को ऑफ नहीं करना है, ऑलमोस्ट देयर। ये देखिए आपका सिस्टम जो है रेडी फॉर यूज है। आपको इंस्टॉल करने में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं।